हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं परवल की मिठाई बनाने। तो परवल यहाँ पर मैंने ले लिया है और ये कम से कम 250 ग्राम मेरे परवल हैं और हम इसे अच्छे से वॉश कर लिए हैं, धुल लिए हैं और अब इसका जो है कि छिलका हम उतार देंगे। इसके बाद इसे हम बॉयल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम छिलका उतार लेते हैं। तो बहुत ही हार्ड है ये परवल। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार इसे अच्छे से हम और वॉश करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे छिलकों को पहले हम उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे छिलकों को उतार लिया है और देखिए परवल से भी बीज को हम अच्छे से निकाल दिए हैं। ये देखिए अंदर से बहुत ही खाली खाली हो गया है। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे थोड़ा सा। तो ये हमने पानी रख लिया है बर्तन में और इसमें हम सारे परवल को डाल देंगे और अब इसे हम ढक देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये खोआ को हमने घर पे बनाया हुआ है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे से ये मेरा खोआ बन गया है। दूध से बनाए हैं हम और ये करीब 1 पैकेट दूध का है, ये डेयरी दूध का है। तो उसी का हम खोआ बना लिए हैं इसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ये प्योर खोआ है। और बाहर का मार्केट का जो खोआ होता है वो तो वैसे भी मिलावटी सा होता ही है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी खोआ, बहुत ही अच्छा खोआ घर पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा इसमें मेवा डाल के भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई मेरी हीट हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं घी। और यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे 1 स्पून पोस्ता का जो दाना होता है वो डाल देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार का होता है कुछ ऐसे ही। और ये परवल की मिठाई पे कंपलसरी है कि ये पड़ता ही पड़ता है। इसके डालने से परवल का जो मिठाई है बन के बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। तो ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कटा हुआ मेवा ले लिए हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा काजू है और थोड़ा सा किशमिश, इसे हम अच्छे से कट कर लिए हैं। ये थोड़ा सा चिरौंजी है और अब हम इसमें डाल के थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी आज बनकर रेडी होने वाला है परवल की मिठाई। तो ये बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है और अब ये जो खोए हमने भुजे थे इसे हम फ्राई कर लेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए कढ़ाई को हम धुले नहीं हैं क्योंकि इसमें चीनी और खोया सब लगा हुआ था और हमें सीरा बनाना है, इसका चाशनी तैयार करनी है। तो हम इसी कढ़ाई में चाशनी को रेडी कर लेते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हम पानी। और एक फ़ायदा और है कि कढ़ाई पहले से मेरी बहुत ही हीट थी तो इसे हीट करना नहीं पड़ा और चाशनी बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चीनी ले लिया है, ये 1 कप है और ग्राम के नाप से है तो ये 80 ग्राम है। तो अब हम इसमें पानी में इसे डाल देते हैं। ये चाशनी ना ही पतली और ना ही बहुत मोटी बनानी है हमको, बस परवल को इसमें बहुत ही अच्छे से पकाना है तो उसी हिसाब से हम इसमें चीनी डाले हैं। बस उसे मीठा करना है क्योंकि ऑलरेडी खोए में चीनी पड़ी हुई है हमारी, ये सिरे में पकाना है हमें। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही इजीली ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे सारा परवल इसमें से निकाल लेंगे। एक बर्तन में बहुत ज़्यादा इसमें हमें सॉफ्ट नहीं करना है, या हल्का सा ही इसमें सॉफ्ट करना है। तो ये हो चुका है। सारे परवल को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सारे परवल को हम इसमें डाल दिए हैं और 2 ये बचा है, इसमें भी इसे भी हम डाल देंगे। और इसे चाशनी में पकाएंगे। जब तक कि जितना इसमें चीनी है और ये मेरा जो परवल है, जब तक कि इसमें अच्छे से मीठा ना हो जाए तब तक हम इसे चाशनी में डुबो कर पकाते रहेंगे। मैंने इसे इसलिए उबाला क्योंकि जब आप कच्चा अगर इसमें चाशनी में डाल देंगे तो ये पकेगा बिल्कुल नहीं और खाने में बहुत ही अजीब से लगेगा, जो होता है ना कि करर करर सा ऐसा कुछ मतलब इसका स्वाद आएगा। तो अगर थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे पानी में तो इसके बाद आप चाशनी में डालेंगे तो वैसा स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा और बहुत ही सॉफ्ट आपकी मिठाई बनके रेडी होगी। तो इसलिए इसे थोड़ा सा बॉयल करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है पानी में, बस हल्का से इसे सॉफ्ट करना है। तो अब हम इसे चाशनी में बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है और बहुत ही बढ़िया से पक गया है और ये जो चाशनी भी है ये बहुत मोटी पड़ गई है। तो ये जब मोटी पड़ जाए तो समझ जाइए कि परवल बहुत ही अच्छे से चाशनी के अंदर मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब सभी परवल को हम निकाल लेते हैं। तो हम परवल को एक एक करके निकाल लेते हैं। सभी परवल को इसी तरह निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है, मेरा परवल भी बहुत अच्छे से पक गया है और ये जो स्टफिंग मैंने बनाया था खोया वाला ये भी बहुत ही अच्छे से बन गया है।
तो अब चलिए बस अब इसकी सेटिंग करनी है। तो बहुत ही इजीली इसे हम परवल को इस तरीके से लेंगे। इसके अंदर सेट कर देंगे। और इसी तरीके से हमें सारी मिठाइयाँ बना लेनी है। आप जितना चाहो अपने मर्जी के हिसाब से इसमें डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही इजली और बहुत ही फटाफट से ये मिठाई रेडी हो जाती है। अगर घर पे परवल है और परवल की मिठाई आपको खानी है तो दूध से और परवल से बहुत ही झटपट से ये मिठाई बन जाती है घर पे। इसलिए आपको बिल्कुल मार्केट के जैसा बनके रेडी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे परवल को सेट कर लेंगे। सो गाइस देखिए मेरा परवल का जो मिठाई है बहुत ही अच्छे से बनके रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हुआ है। बहुत ही इजी बन जाता है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो सो आप देखेंगे वीडियो उनको ज़रूर देखिएगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक इसमें वो है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा हमने खोआ भर दिया है, क्योंकि खोआ क्या करते हैं घर पे मतलब कि इसे रख नहीं सकते थे हम, और इसी में एडजस्ट कर दिए हैं। जो मार्केट का हमारा मिठाई होता है उसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा खोआ भरा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम इसे एडजस्ट करने के लिए सारा खोआ इसमें हम भर दिए हैं। और देखिए काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, तो बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो गाइस आप लोग ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेके ऐड कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।